ओसाइरिस रेक्स ने पहली बार हमारी धरती से करीब 321 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद बेनू एस्ट्रॉइड के सरफेस को टच कर उसके सैंपल्स को इकट्ठा करने में सफलता हासिल की। ये पहली बार था जब नासा का कोई मिशन किसी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड पर जाकर वहां से उसके सैंपल्स को इकट्ठा कर रहा था। वर्तमान समय में ये स्पेसक्राफ्ट इन सैंपल्स के साथ वापस हमारी धरती का सफर भी शुरू कर चुका है, जिसे यहां पहुंचने में 2023 तक का समय लग जाएगा। पर आखिर नासा क्यों इस नियर अर्थ एस्ट्रॉइड के कुछ ग्राम सैंपल्स के लिए अरबों डॉलर्स खर्च कर चुका है, जो कि भविष्य में हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है? और आखिर कैसे इस एस्ट्रॉइड सैंपल का अध्ययन कर वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण और हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की पहेली को सुलझा सकते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। ओसाइरिस रेक्स नासा के महत्वाकांक्षी न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम का तीसरा प्लैनेटरी साइंस मिशन है। इससे पहले इस प्रोग्राम के अंतर्गत 2006 में न्यू होराइजन और 2011 में जूनो जैसे मिशन को लॉन्च किया जा चुका है। ओसाइरिस रेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य बेनू नाम के एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड का करीबी से अध्ययन कर उसके सरफेस से डस्ट और रॉक्स के सैंपल्स को इकट्ठा करना और उसे सफलतापूर्वक वापस धरती पर लाना है। पर यहाँ एक सवाल ये है कि नासा ने हमारे सौरमंडल में मौजूद लाखों एस्ट्रॉइड्स में से आखिर बेनू को ही क्यों चुना? हमें इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी धरती से करीब 321 मिलियन किलोमीटर दूर इस नियर अर्थ एस्ट्रॉइड के बारे में करीबी से जानना होगा। बेनू एस्ट्रॉइड हमारे सौर मंडल में मौजूद लाखों एस्ट्रॉइड्स में से एक है। ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है। नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स हमारे सौर मंडल में मौजूद ऐसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो कि 1.3 AU या उससे कम दूरी से हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऐसे में इन्हें पोटेंशियल हाजर्डस ऑब्जेक्ट माना जाता है, जो कि अपने ऑर्बिट के दौरान हमारी धरती के बेहद ही पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका हमारी धरती से टकराने का खतरा बना रहता है। बेनू ऐसा ही एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, जिसकी खोज नियर अर्थ रिसर्च टीम द्वारा 1999 में की गई थी। बेनू एक बी टाइप कार्बन रिच एस्ट्रॉइड है, जो कि मुख्य रूप से कार्बन और दूसरे मिनरल्स से मिलकर बना हुआ है। साइंटिस्ट के अनुसार ये एक लो डेंसिटी एस्ट्रॉइड है, जिसका 60% हिस्सा एम्प्टी स्पेस है, यानी कि ये एस्ट्रॉइड अंदर से खोखला है। और इस एस्ट्रॉइड का निर्माण आज से 4.6 बिलियन साल पहले मंगल और जुपिटर ग्रह के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में हुआ था, पर दूसरे प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स के ग्रेविटेशनल टग के कारण कई लाखों सालों के दौरान इसका पाथ चेंज होकर हमारी धरती के करीब हो गया। और वर्तमान समय में सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स और सनलाइट के कारण हर साल ये एस्ट्रॉइड करीब 300 मीटर हमारी सूरज की ओर खिसकते जा रहा है। बेनू एस्ट्रॉइड हर 6 सालों में धरती के करीब से होकर गुजरता है। ऐसे में उनका अनुमान है कि आज से सैकड़ों सालों बाद सन 2175 से 2199 के दौरान ये एस्ट्रॉइड हमारी धरती के सबसे करीब से होकर गुजरेगा, और इस दौरान इस एस्ट्रॉइड के हमारी धरती से टकराने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस एस्ट्रॉइड के बारे में सबसे खास बात ये है कि अपने निर्माण के बाद से इस एस्ट्रॉइड के ओवरऑल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर में पिछले कई बिलियन सालों के दौरान कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, जिसका मतलब ये है कि इसके सरफेस में मौजूद केमिकल डस्ट और रॉक हमारे सौरमंडल के जन्म के समय जितने ही पुराने हैं। यानी आप इस एस्ट्रॉइड को स्पेस में मौजूद एक टाइम कैप्सूल भी कह सकते हैं, जो कि हमें हमारे सौरमंडल के निर्माण के बारे में काफी कुछ बता सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों को ये भी लगता है कि धरती के शुरुआती दिनों में बेनू जैसे ही कई एस्ट्रॉइड्स धरती से टकराए थे, जिन्होंने हमारी धरती पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी पानी और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को लाने का काम किया था। ऐसे में वैज्ञानिक बेनू एस्ट्रॉइड्स के सैंपल का अध्ययन कर हमारी धरती पर जीवन के रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिक इस तरह के नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स के कॉम्पोजिशन और उसके ट्रांजेक्टरी का करीबी से अध्ययन कर ऐसे एस्ट्रॉइड्स की पहचान कर सकते हैं, जिनसे भविष्य में हमारी धरती को कोई खतरा हो सकता है। इसी वजह से नासा ने अपने एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन के लिए बेनू एस्ट्रॉइड को चुना। ओसाइरिस रेक्स मिशन को 8 सितंबर 2016 में फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। इसके बाद कई मैनूवर्स और ग्रेविटी असिस्ट और ट्रांजेक्टरी करेक्शन के बाद इसने बेनू एस्ट्रॉइड का सफर शुरू किया। करीब 2 सालों तक 319 मिलियन किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद अगस्त 2018 में स्पेसक्राफ्ट को पहली बार बेनू एस्ट्रॉइड की एक झलक दिखाई दी और फिर इसने अपने अप्रोच फेज की शुरुआत की। बेनू एस्ट्रॉइड का अध्ययन शुरू करने के बाद वैज्ञानिकों को इसके बारे में कई अनोखी बातों का पता चला।
शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि इस एस्ट्रॉइड का सरफेस बेहद ही स्मूथ हो सकता है, जो कि मुख्य रूप से स्पेस डस्ट और छोटे रॉक से भरा हुआ होगा। पर वैज्ञानिकों को अध्ययन से पता चला कि इसका सरफेस बेहद ही उबड़ खाबड़ है, जहां कई विशाल रॉक्स और बोल्डर्स मौजूद हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि ये एस्ट्रॉइड जियोग्राफिकली इनएक्टिव होगा, जहां कई लाखों सालों से कोई हलचल नहीं हुई है। पर बेनू एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट में पहुंचने के केवल एक हफ्ते के भीतर ही स्पेसक्राफ्ट को इसके स्पेस से इजेक्ट होने वाले स्पेस डस्ट और रॉक्स का पता चला, जो कि सूर्य की गर्मी और इसकी वीक ग्रेविटी की वजह से स्पेस में जा रहे थे। जिसके बाद ओसायरस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने फरवरी 2019 में अपने डिटेल्ड सर्वे फेज की शुरुआत की। इस फेज के दौरान ये स्पेसक्राफ्ट कई अलग अलग एंगल से बेनू एस्ट्रॉइड के करीब से होकर गुजरा, ताकि ये इसके सरफेस का पास से अध्ययन कर सके। स्पेसक्राफ्ट ने अपने OTES स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग कर एस्ट्रॉइड के सरफेस के केमिकल कॉम्पोजिशन को मैप करना शुरू किया। साथ ही इस दौरान इसने इस एस्ट्रॉइड के सरफेस की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेना भी शुरू किया, ताकि वैज्ञानिक इसके सरफेस का एक डिजिटल मैप तैयार कर सकें। इस फेज का मुख्य मकसद सैंपल कलेक्शन के लिए एक सही साइट की पहचान करना था, जहां स्पेसक्राफ्ट को इसके सरफेस में मौजूद रॉक्स और बोल्डर से कोई खतरा न हो। इस फेज के अंत में वैज्ञानिकों ने सैंपल कलेक्शन के लिए इसके सरफेस में मौजूद 4 अलग अलग साइट्स की पहचान की, जिसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट बारी बारी से सभी 4 अलग अलग साइट्स के ऊपर से होकर गुजरा, ताकि ये इन साइट्स के सरफेस का और करीबी से अध्ययन कर सके। इन अध्ययनों के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों ने बेनू के नॉर्थ पोल में मौजूद नाइटिंगेल नामक जगह को सैंपल साइट के तौर पर चुना। ये साइट्स दूसरे साइट से ज्यादा रिलेटिवली यंग है, जिसके सरफेस में मौजूद डस्ट और रॉक अभी फ्रेशली एक्सपोज्ड हुए हैं। जिसके बाद 20 अक्टूबर 2020 को इसने अपने टच एंड गो मिशन की शुरुआत की। टच एंड गो मैनूवर के दौरान ये स्पेसक्राफ्ट बेनू के सरफेस के करीब गया, जिसके बाद इसके रोबोटिक आर्म ने सरफेस को टच कर वहां से डस्ट और रॉक सैंपल्स को कलेक्ट किया। जब वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने इस मिशन के लिए जरूरी करीब 60 ग्राम सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया है, तो फिर उन्होंने इस सैंपल को अपने सैंपल रिटर्न कैप्सूल में रख दिया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को स्पेसक्राफ्ट ने आखिरी बार बेनू एस्ट्रॉइड के फ्लाई बाई को अंजाम दिया और धीरे धीरे पृथ्वी तक अपना सफर शुरू किया। 10 मई को स्पेसक्राफ्ट ने अपने मेन इंजन को फायर किया, ताकि वो धरती तक के अपने सफर के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा सके। करीब 7 मिनट तक अपने इंजन को फायर करने के बाद स्पेसक्राफ्ट को अपने सफर के लिए जरूरी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिल चुकी थी। इस स्पीड से स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी तक का अपना 321 मिलियन किलोमीटर तक का सफर तय करने में करीब 2.5 सालों का समय लगेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये स्पेसक्राफ्ट 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी के ऑर्बिट में दाखिल हो सकता है, जिसके बाद इसका सैंपल कैप्सूल मुख्य स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर पृथ्वी के सरफेस तक का अपना खतरनाक सफर शुरू करेगा। धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद इसके कैप्सूल में मौजूद पैराशूट खुल जाएगा, जो कि इसकी स्पीड को कम करने का काम करेगा, ताकि ये सही सलामत यूटा वेस्ट डेजर्ट में लैंड कर सके, जहां वैज्ञानिक पहले से इस कैप्सूल और इसमें मौजूद बेनू के डस्ट और रॉक्स के सैंपल्स का इंतजार कर रहे होंगे। सैंपल कैप्सूल के धरती पर लैंड हो जाने के करीब 6 महीने बाद नासा इन सैंपल्स को दुनिया भर में मौजूद रिसर्च ग्रुप्स को बांट देगा, ताकि वो अलग अलग तरीकों से इसका अध्ययन कर सके। इसके साथ ही स्पेसक्राफ्ट का प्राइमरी मिशन पूरा हो जाएगा, जिसके बाद अगर इस स्पेसक्राफ्ट में पर्याप्त फ्यूल बचा हुआ होगा, तो फिर ये अपने सेकेंडरी मिशन की शुरुआत करेगा। ओसायरस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को एक और विशाल नियर अर्थ एस्ट्रॉइड ओपोफिस का अध्ययन करने के लिए भेजा जा सकता है, जहां ये 2029 तक पहुंचेगा। ये एस्ट्रॉइड सैंपल मिशन भविष्य में स्पेस एस्ट्रॉइड माइनिंग मिशंस के लिए एक बेस मिशन बन सकता है, जिसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वैज्ञानिक दूसरे एस्ट्रॉइड्स में माइनिंग कर जरूरी मिनरल्स धरती तक ला सकते हैं।